नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज हम प्रशांत बिहार के गलियों में शर्मा जी के साथ और त्रिपाठी जी के साथ घूम रहे हैं। तो आज एक बहुत बड़ा वाकया सामने आया, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय सामने आया कि एमसीडी किस तरीके से काम करने से मना कर देती है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, लेकिन जो काम सफाई का हो सकता है उसे भी कहती है कि लोगों पर आरोप लगा देती है कि आपने अपने घर का आगे बड़ा रखा है या नाली कवर कर रखी है, इसलिए सफाई नहीं हो सकती। शर्मा जी क्या कहेंगे आप? क्या मैं तो ये आपको कहना चाहता हूँ, आपके सामने मैं सबूत देता हूँ। हाँ, सबूत ये देखिए। हाँ, मेरा ये डंडा है। हाँ, ये डंडा देखिए आप कितना नीचे चला गया। हाँ, कितना चला गया। हाँ, इतना जाने के बाद ये देखो कहाँ तक गीला है। हाँ, उस गीले को आप क्या कहोगे? हाँ, ये पानी खड़ा नहीं है तो क्या है? पानी रुका हुआ है। पानी रुका हुआ और नीचे मिट्टी है। मिट्टी है। और हमने ये शिकायत एमसीडी से भी की। हाँ, कुछ अधिकारियों से की। हाँ, एमएलए से की, काउंसलर से की। हाँ, कहते जब तक रैंप नहीं टूटेंगे। हाँ, ये आपके सफाई नहीं पॉसिबल नहीं है। अच्छा। और मैं जाता हूँ D179 प्रशांत बिहार में। अच्छा। हमने 8 घरों ने 78 से लेके 184 तक। हाँ, पूरी नाली साफ कराई 700-700 रुपया दे के। मतलब 700-700 रुपये में आप करा सकते हो लेकिन एमसीडी नहीं कराई? एमसीडी नहीं कराई हमने, उनको 5,500 रुपया दिया सफाई करने वाले को, जो हमें इंडिविजुअल को 700 रुपया एक को पड़ा था। हाँ, तो पूरी हमारी नाली का पानी साफ हो गया। हाँ, और अगर एमसीडी के अधिकारी ये कहते सफाई नहीं हो सकती, उनको मेरे सामने कराओ, किसी का रैंप नहीं टूटेगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। आपको पता है कि जनता की सरकार ये कह रही है कि आपकी गली की सफाई आपसे पूछकर आपके तरीके से कराई जाएगी। तो हम आपकी तारीफ करेंगे अगर हमारे से पूछ के कराई जाएगी तो। क्या कहना चाहेंगे जनता की सरकार? क्या जनता की सरकार का जो भी एजेंडा होगा वो गली के जो जनता की जो है जनता के से डिस्कस करके वो एजेंडा तैयार किया जाएगा। अच्छा। तो ये जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी जाएगी और जनता का ही ले ही काम करेगी। और लोगों को पता है कैसे काम होता है? ये लोगों को पता है कि काम कैसे होता है। जब तक किसी भी डिपार्टमेंट में अगर जब तक ईमानदारी नहीं आएगी, अपने कर्तव्य निष्ठा नहीं आएगी, तब तक एक देश जो है आज देखा जाए तो सिस्टम जो पूरा एक भ्रष्ट सिस्टम के रूप में जूझ रहा है। और उस सिस्टम को बदलने के लिए जनता को जागना पड़ेगा, जनता को आना पड़ेगा। मैं दिल्ली की जनता को खास करके सभी प्रशांत बिहार निवासियों से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं वार्ड 58 का रहने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि सब लोग आगे आएं और अपनी अपनी परेशानियां ये शेयर करें और बताएं, अपनी अपनी परेशानियां शेयर करें और बताएं। शर्मा जी आप क्या लोगों को कहना चाहोगे? गली में उठें, अपने मोहल्ले में उठें और खुद का निर्णय लें। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे दिल्ली के लोगों को? जैसे आप करते हो, खुद आपने एक निर्णय लिया, सब लोगों ने मिलकर सफाई करा ली, तो आप क्या क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये चाहता हूँ सब काम पॉसिबल हैं। यस। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। जनता में जागृति चाहिए और जनता में दम चाहिए इन नेताओं को हिलाने का। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अगर जनता में दम होगा, जनता में जागृति होगी, जनता में शक्ति होगी, तो वो दिन दूर नहीं है कि जनता जाग जाएगी। और जनता जाग जाएगी तो निजाम बदल जाएगा, निजाम मुस्तफा बदल जाएगा, फिर से जनता की सरकार आएगी। क्या कहेंगे ये पूरी तरह से ब्लॉक? ये नालियों की जो है कभी सफाई नहीं हो रही है, फुल भरी है इनका प्रसाद। ये देखो ना, ये देखो, ये सारी जो है नालियाँ वहाँ से वहाँ तक फुल भरी हुई है। ये देखो, इसमें देखो, ये यहाँ से जो है का यहाँ से मतलब पूरा ये ब्लॉक हो गया है। बरसात का पानी हो रहे हैं और बरसात का पानी भी नहीं आ पा रहा, सड़क पे आ जाएगा वो। हाँ, रुक जाता है, बिल्कुल रुक जाता है सारा। और ये मतलब रेगुलर ये मेंटेनेंस का काम है, रेगुलर चाहिए ये। ये जो है का कम से कम जो है का अगर ज्यादा नहीं है तो महीने में 15 दिन में जरूर इसकी सफाई होनी चाहिए। ये तो मतलब गाय फेफड़ों पे तो होती होगी, साल भर लग जाता है इसको सफाई करने में, उससे ज्यादा वो नहीं होता। भले बुरा मानते हैं लोग बाग मेरे से, पर जो सच्चाई बात है, सच्ची बात तो कहने में मैं वो नहीं, सच्ची बात कहने में कोई डर नहीं है, कोई परहेज नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इस तरह से लोग अपनी बात उठा रहे हैं, जनता अपनी बात उठा रही है। सर आप भी जो काम कर रही है क्या उससे खुश हैं आप? आपको खुद दिख रहा है क्या? जब खुश क्या है? हम तो समझते नहीं, एमसीडी सिर्फ हाउस टैक्स लेती है। हाँ, टैक्स लेती है। हाँ, और कुछ भी लेती है। हाँ, और करती कुछ नहीं है। करती कुछ नहीं है, जनता की आवाज़ है कि एमसीडी करती है जी। हाँ, एक काम जरूर करती है, जब किसी का मकान बढ़ रहा हो ना, एमसीडी वाले चक्कर काटना शुरू जरूर कर। लेंटर पे का भी कुछ सिस्टम लगता है, मुझे लगता है ये लेंटर वाली बात। लेंटर वाली बात, एक लेंटर में पार्क में देख लो कितनी रोई खुंडी हुई है, कितना कूड़ा किला हुआ। सर, एक लैंडर में एमसीडी का
जो ठेक दो लाख लेती है, चार लाख 8 लाख रुपए एमसीडीएल लेती है। 8 लाख में तो किसी गरीब की सही है सब, ये बात सही है, 8-10 लाख मिनिमम ले लेती तो है। तो अब ये जो जितनी भी पार्टी की सरकारें आती है, कोई सिस्टम बदलता है क्या पार्टी कभी बदलता देखा कोई नहीं बदलता और बदलेगा भी नहीं। जब तक से तो कोई बदलने वाला नहीं, जब तक अगर जब तक जनता खुद ना खड़ी हो जाए, भेदभाव वाली राजनीति जब तक होती रहेगी, पब्लिक जब तक खड़ी नहीं होगी तब तक ये सुधार नहीं आने वाला। पब्लिक जब तक खड़ी नहीं होगी, जनता जब तक खड़ी नहीं होगी, जनता अपनी सरकार खुद जब तक नहीं बनाएगी तब तक कुछ भी भला नहीं हो सकता किसी पार्टी किसी नेता। हाँ श्रीमान जी देखिए, ये लोग जो जनता की जो परेशानियां हैं, हम लोग डी ब्लॉक में ये राम मंदिर के साथ हम खड़े हैं और यहाँ सेंट्रल मार्केट स्कूल है, डी ब्लॉक का पार्क है, डिस्ट्रिक्ट पार्क है। यहाँ जो परेशानियां हैं, जनता त्रस्त है और दलदल वाले जो मस्त हैं, पूरे ये सारी रोहिणी में बहुत बुरा हाल है जी, पार्कों के पास में और इतना गंद पड़ा है कि कह नहीं सकते। पूरी रोहिणी में है, पूरी दिल्ली में है। पूरे दिल्ली के रोहिणी में नहीं, पूरी दिल्ली में है, जहां मर्जी चले जाओ। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगी, जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहना चाहूंगी, खुद उठे और सरकार संभाल ले। पढ़ी लिखी है जनता लेकिन अपना अधिकार नहीं जानती, उसको इस्तेमाल करना भी नहीं जानती। यदि वो इस्तेमाल करे अपने जो अधिकारों का, सरकार बन जाए, चुनाव जिसकी जो प्रणाली है वही गलत है। चुनाव की प्रणाली गलत है, बहुत ज्यादा गंभीर बात हो रही है। चुनाव की प्रणाली गलत प्रणाली है, हम तो कहते हैं चुनाव नहीं जुड़ाव होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। यहाँ जो क्या है कि चुनाव चिन्ह बिकते हैं, जिसमें जो खरीद लेता है वो जीत जाता है। इसीलिए हमने कहा है कि इस बार प्रत्याशी के चेहरे को देख के वोट करें, चुनाव चिन्ह को देख कर वोट ना करें। ये तो देखो चेहरा जो हम में से कोई निकल कर के आए, सियासी नहीं हो, जनता से निकल के आए, जनता की सरकार बने, सियासी आदमी सियासी पार्टियों को आदमियों को लोगों ने ना कर दिया, ये लोगों का संदेश है। आप इसे दूर तक पहुंचाइए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए, लाइक करिए और लोगों को जगाइए, लोग जागें, लोग आगे बढ़ें, खुद खड़े हो जाएं और खुद बदल दें सिस्टम को। जय हिंद जय भारत।